कमलन काबरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। कमलन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो के दौरान। ये जो डिमोनेटाइजेशन की स्कीम का एक शुरुआत जो की गई है 8 तारीख से, क्या ये कारगर होगी जो भी दलील दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, खासतौर पर ब्लैक मनी को लेकर? तो क्या ब्लैक मनी को खत्म करने में ये स्कीम कामयाब होगी? क्या ब्लैक मनी जनरेशन इस स्कीम से रुक जाएगा? आवाज नहीं है। देखिए, ब्लैक मनी कई रूपों में रखी जाती है जी, तो जिस किसी भी रूप में रखा जाए वो निष्क्रिय नहीं रहती है, वो सक्रिय रहती है। और सक्रियता के लिए करेंसी नोट्स की जरूरत होती है जी। तो जब करेंसी नोट्स का बहुत बड़ा हिस्सा 500 और 1000 के नोट में था, 85-86% जी, तो अगर उसका एक आम आदमी जो इस्तेमाल करता है रुपये 10, 50, 20 वाले जी, उनका अनुपात तो केवल 14-15% है। इसका मतलब है कि देश में जो बहुत बड़ा कारोबार जो ज्यादा होता है उसमें काले धन का, और जो ऊंची आमदनी वाले, ज्यादा आमदनी वाले, ये विषमताओं का भी प्रतीक है। तो अगर इसमें से 50% भी कम होता है तो इसका असर पड़ेगा कि, और खासकर जो ये रिश्वत लेने की जरूरत कम नहीं होगी, रिश्वत देने वाले का मन कम होगा पर रिश्वत देने के साधन कम हो जाएंगे। ये हो सकता है कि वो सोने चांदी के रूप में दे, वो जमीन जायदाद के रूप में दे, तो कोई ये उम्मीद करे कि इससे करप्शन समाप्त हो जाएगा या काली मनी, काला धन खराब हो जाएगा, दो नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, तो वो मुगालते में है। पर हाँ, कम होना इसका एक निश्चित हिस्सा है, पर वो आगे कितनी दूर में बढ़ेगा, कब वापस अपना दैत्याकार सिर लेकर के सामने आएगा, कमल है जी, आगे की नीतियां क्या है, से इस स्कीम पर निर्भर करेगा। एक बार इम्प्लीमेंटेशन का तरीका सही है जी, क्या शुरुआती तौर पर ऐसा नहीं लग रहा कि जो गरीब तबके के लोग हैं? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बिल्कुल गलत है जी। नहीं, गरीब तबके को छोड़िए, मध्यम वर्ग के लोगों को भी जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे काले धन को एक तरह से बढ़ावा भी मिल रहा है, ये गलत तरीके कारण। जो आदमी जिसके पास में 100 रुपए के नोट है जी, और जिसके पास में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आज प्रीमियम पर बेच रहा है वो, और खासकर जब ये घोषणा हुई उसके बाद में लोगों ने सोने चांदी के भाव बहुत बढ़ गए, तो इस तरह की जो बातें हुई हैं वो इंडिकेट करता है कि काले धन की जो प्रकृति है वो, उसके जो मूल आधार हैं वो रुपया नहीं है, ये तो उसका एक फैसिलिटेट करने का साधन है जी। जो मूल भावना यह है कि राज्य की नीतियों पर जी, और आर्थिक नीतियों पर ऐसे लोगों का दबदबा है जो गैर कानूनी काम करने और अनुचित आय प्राप्त करने में, अनुचित संपत्ति प्राप्त करने में हिचकिचाते नहीं है, वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। राज्य की नीतियों में, सामाजिक नीतियों में काला धन जब्त किया गया, करेंसी उसमें से सिर्फ 6% रखी गई।